चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधि। सर मैं श्याम कुमार सहारनपुर से, सर मैं करीब लगभग एक महीने से जुड़ा हुआ हूँ आप सबके साथ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे ज्यादा मैं प्रभावित हूँ सुधीर राज जी से, क्योंकि उन्होंने जहाँ हम चार भाई भी एक जगह एक साथ बैठकर बात नहीं कर सकते, आपस में विचार विमर्श नहीं कर सकते, पूरे भारत को एक साथ, पूरे भारत के मतलब SC ST OBC समाज को एक साथ जोड़कर एक मंच पे बैठकर और बिल्कुल सरल तरीके से बिना किसी साधन के हम सभी एक साथ बैठकर बात कर रहे हैं सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उनके कंसेप्ट तो इतने क्लियर होते हैं कि प्रभावित मोहित हो जाते हैं उनकी आवाज सुनते सुनते, ऐसा लगता है कि लगातार सुनते ही चले जाएं। सर बहुत अच्छा लग रहा है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, मैं लगातार अपने साथियों को जोड़ता जा रहा हूं। और सर जैसे कि हमारे RK बोध पालन से हैं और एडवोकेट अभिषेक राज जी हैं, ध्रुव कुमार जी हैं, योगेंद्र कुमार जी हैं, इन सब से मैं बहुत अच्छा लग रहा है, इन सब का सुनकर बहुत अच्छे लग रहे हैं, इन सब से बहुत प्रभावित हूँ। और सर आपसे भी यहाँ तक मैं ये आपके कंसेप्ट के विदा पीपल जो हमारा समन संघ है इसके कंसेप्ट से मैं यहाँ तक समझाऊं कि मुझे इससे जुड़ना है, पूरे अपने समाज को जोड़ना है, SC ST OBC समाज को, और एक आदमी को कम से कम 10 आदमी जोड़ने हैं। और सर ना चंदा देना है, ना चंदा लेना है, ना चंदा लेने देना है, ना देने देना है। और सर जुड़ेंगे, जुड़ते रहेंगे, जो जो जुड़ा है वही जीता है, और जो जुड़ते रहेंगे वो जीतते रहेंगे, और जब जब जुड़े हैं तब तब हम लोग जीते हैं और आगे भी जीतते रहेंगे। श्याम कुमार जी बने रहिए, जोड़ते रहिए, बहुत अच्छा लगा। नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया। सर मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आप मुझे उसमें जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि मैं आपके कॉन्सेप्ट समझ गया हूँ और मैं काम करना चाहता हूँ, लगातार काम करता रहूंगा सर। अभी जोड़ दूंगा सर, आप अपना नंबर मुझे बोल दीजिए, अपना नंबर भी बोल दीजिए सर। एक्सक्यूज मी सर, जी मैं भीमसेन बोल रहा हूँ तेलंगाना से। हाँ बोलिए सर, बोलिए। एक मिनट बात कर सकता हूँ ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बात करिए। थैंक यू सर, दिस इज माय वेरी फर्स्ट जॉइनिंग थ्रू रेफर्ड बाय सतपाल सिंह दहिया भैया फ्रॉम गुड़गांव। ओके सर, ओके। वी वर बैचमेट्स देयर इन गारी सी कुरुक्षेत्र हरियाणा, तो आई एम हेलिंग फ्रॉम तेलंगाना। एट द सेम टाइम मैं ये चाह रहा हूँ कि अगले आगे और मीटिंग्स कैसे हो रहेंगे, कब रहेंगे, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिए सर। आज आप पहली बार जुड़े हैं? आज ही जुड़े हूँ, अभी एक दोस्त भी विलेज रेवेन्यू ऑफिसर भी जुड़ा है मेरा बात से अभी। अच्छा, तो एम शंकर करके तेलंगाना। अभी लक्की कोहिनूर, लक्की या राजेश प्रसाद, दोनों में से आ जाए। राजेश प्रसाद ने काफी देर से एंड्रेज किया, प्लीज। हाँ लक्की कोहिनूर उपस्थित है सर। जय भीम, नमो बुधाय। जय भीम सर, जय भीम कोहिनूर जी, आए सर बताए। जी सर, मैं आज क्या है कि यहाँ बानपुर अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में हूँ, और मैंने क्या है कि यहाँ पे मीटिंग किया है विदा पीपल के लिए, और मैंने करीब करीब 1.5-2 घंटे तक मीटिंग किया है, कम से कम 8-10 लोगों को बैठा कर। थैंक यू सर। और मैंने उन लोगों को मैंने लिंक भी भेजा है, उनमें से कुंदन जी जुड़े हुए हैं और काफी लोग जुड़े हुए हैं सर, और ये मुहिम है ना, बहुत शानदार मुहिम है सर। और मैं तो मिशन में ये ले रहा हूँ कि कम से कम 500 लोगों को इसमें इंक्लूड करने वाला हूँ, और इसमें इसमें एक दिलीप जी भी जुड़े हुए हैं कोटपुतली से, राजस्थान से, एक बानसूर से कुंदन जी जुड़े हुए हैं सर, रेज हैंड है उनकी कुंदन जी के। सर आप सुन पा रहे हैं? हमें सुन पा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास। सर प्लीज अपने आप इंट्रोडक्शन दे सर, प्लीज इंट्रोडक्शन दे प्लीज। सर मैं राजस्थान से अलवर डिस्ट्रिक्ट से लक्की कोहिनूर हूँ, और मैं क्या है कि बाबा साहब की मुहिम से कम से कम मैंने DMM BEd किया है, और मैं बैंक में RM था, रिलेशनशिप मैनेजर, मैंने बैंकिंग की नौकरी रिजाइन कर दिया है, और अभी मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, और बिजनेस के साथ मैं समाज को जगाने के लिए है ना लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ एक विचारधारा से, जो कि आज अव्यवस्था जो फैली हुई है ना, वो एक व्यवस्था हमारी जो बाबा साहब है, पेरियार है रामास्वामी जी, हमारे ललित सिंह यादव है, हमारे जो गुरु नानक है, हमारे जो रविदास महाराज है, हमारे कबीर जी है। सर मौका देंगे आपको, लिंक कहाँ से मिला सर आपने? सर लिंक मैंने एक अभी जो मेरे एक मौसा जी हैं, वो उन्होंने क्या है कि बामसेप में राजस्थान में जयपुर से है ना वो अध्यक्ष हैं, और उन्होंने मेरे को बामसेप के उससे जोड़ा है ग्रुप से, और ग्रुप में है ना ये लिंक आया था, उस लिंक को मैंने ज्वाइन किया है वहां से। सर आप जुड़े रहिए और 9 बजे का कॉन्सेप्ट जरूर सुनिएगा, और जितने साथी आपके जो काम करना चाहते हैं बाबा साहब की आइडिया को लेके आप उनको जुड़िएगा, आपका स्वागत है, थोड़ा वेट करें प्लीज। आपको 500 लोगों को सर मैंने ठाना है, 500 लोगों को तो मैं जोड़ दूंगा यहाँ से। सर 500 नहीं, आप सर 5000 जोड़ेंगे।
आप नंबर छोड़ दें, हाँ नंबर कल छोड़ दिया था सर लक्की कोहिनूर के नाम से, आपको दे दिया था, फिर और छोड़ देता हूँ। प्लीज थैंक यू सर, आप जैसे ऐसे बहादुरों की जरूरत है सर, हम तो अभी ऊपर जाने वाले हैं, इसे नौजवानों की जरूरत है। हेलो हेलो जी बहन जी बोले मुबद्दा है, आई एम डॉक्टर शरयू अरुण ने, आई एम फ्रॉम एंड बचपन से मैं बामसेफ के काफी सारे प्रोग्राम्स अटेंड करती रही हूँ और आज भी मैं समाज के लिए जो भी कर सकती हूँ उतना करती हूँ। आई लव राइटिंग पोएम्स और उसमें मेरे बुद्ध धर्म और बाबा साहब पे काफी सारी है और एक सर्कल भी है, डॉक्टर हूँ इसलिए बहुत बड़ा सर्कल है, सो आई विल ट्राई टू इन्वॉल्व मैक्सिमम पीपल। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू आप आए, हमें अच्छा लगा कि आप जैसे कि हमें जरूरत है। yes. जो हमारा जो विधान है उसको बहुत बड़ा खतरा है, उसको खतरा नहीं है, हमें पूरी मानवता को खतरा है, इसलिए उसको बचाएंगे तो मानवता बचेगी, पार्टी आएंगी जाएंगी, डॉक्टर रहेंगी, लेकिन संविधान नहीं रहा तो कोई कुछ नहीं रहेगा, अफरा तफरी मच जाएगी, वो माहौल तैयार कर रहे हैं उसको बचाने के लिए। प्रॉब्लम हर सिटी में हर स्टेट में बाबा साहब का काम हो रहा है पर कोऑर्डिनेशन कुछ नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है अच्छा कि कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, कोशिश है हमारी। मानिक चंद जी है खोबरागढ़ी जी, मानिक खोबरागढ़ी सर अपना परिचय दीजिए। खोबरागढ़ी सर तो रहते हर दिन, नहीं उन्होंने लोगों को जोड़ा भी है सर, काफी लोगों को रहता हूँ साहब, जोड़ने करने का काम चल ही रहा है। और बात कीजिए ना, एक मिनट बात कीजिए सर। जय भीम द्वार, जय भीम नमोदार, कैसा लगता है आपको? नहीं बढ़िया लगता है सर, तो हमारा कोई कॉन्सेप्ट के बारे में क्या लग रहा है लोगों को, जिनको आप जोड़ रहे हैं उनका क्या रिएक्शन है कॉन्सेप्ट के बारे में? नहीं उनका रिएक्शन तो पॉजिटिव रिएक्शन है और वो भी लोगों को जोड़ना चालू कर दिया है उन्होंने। हाँ सर, हाँ मैं तो हमारा जो ब्लड है ना वो पहले से ही जैसा आपका ब्लड है वैसे ही हमारा ब्लड है, बराबर है, लेकिन हम लोग अगर ताकत से जुड़ते हैं और काम करते हैं तो ही ये विद पीपल का संघ बिल्कुल बिल्कुल काफी ताकतवर बनेगा सर। बिल्कुल सही है, आप जैसा बोलेंगे सर। बैल साहब है आज, बैल साहब, बैल सर आप तो आज बिल्कुल श्रोता करके है सर। बैल सर, जय भीम नमो बुद्धा टू एवरीबॉडी। जय भीम नमो बुद्धा सर, ऐसे कैसे चलेगा? मुझे सुनने में बहुत मजा आता है सर, इतना लंबा भी मत सुनो कुछ। नहीं नहीं, यू आर गुड लिसनर बट यू आर गुड इंस्पायरर्स आल्सो। आपने जो कल की बात कही ना सर, वो जो यशवंतराव अंबेडकर जी की, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि बाबा साहब तथागत बुद्ध के प्रतिमा के सामने खड़े रहते थे और घंटों तक रहते थे कि इस इंसान ने कितनी शक्ति थी, तो वही शक्ति बाबा साहब में ट्रांसफॉर्म हो गई जी, उसमें से कुछ भी शक्ति हमारे बीच में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। इसीलिए भी मैं कभी इस चीज की चिंता नहीं करता कि भी मैं अगरबत्ती लगाऊं या मुंह कैंडल लगाऊं, मैं सीरियस होके बाबा साहब के सामने खड़ा हो जाता हूं। जब भी मेरी कोई समस्या होती है मैं सोचता हूं कि बाबा साहब मुझे गाइड करो कि मैं कहां से गलत हो गया, भगवान बुद्ध को कहता हूं मैं कहां से गलत हो गया ताकि मैं अपनी गलती सुधार लूं, किसी के सामने मुझे छोटा बड़ा करना ना पड़े। तो अपनी गलतियां सुधार के ही मैं आज तक चल रहा हूं, वरना हमारे समाज के अंदर 40-42 साल बिजनेस में कामयाब रहना बहुत मुश्किल है। सर ये आपने बहुत बढ़िया कहा, क्योंकि मैं अभी बुद्ध का जो वचन है वो बताता हूँ ये कितना सही है जी। जैसे थर्मोडायनामिक्स का जो रूल है ना, एनर्जी नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनादर। ऊर्जा ना तो निर्माण होती है ना नष्ट होती, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती रहती है वो। तो बुद्ध का भी ऐसा केवट सूत्र का कथन है, सब्बे पयालितो लोको सब्बो लोको पकंपितो। ऊर्जा निर्माण भी नहीं होती नष्ट भी नहीं होती, तो ये दूसरे फॉर्मेट में जाती है। बुद्ध कहते हैं कि आप किसी की सोच अपना लेते हो और उसके ऊपर काम करते हो और उसमें फिर उन्होंने जो बताया कि विपस्यना है, आना पाना है, मित्ता भावना है, ये मेडिटेशन के प्रोसेस से आप सम्मा सती में चले जाते हो, जागरूक होते हो और फिर आपकी संवेदनाएं डिलीट होती जाती है बुराई की।
तो आप एनर्जी का एक भाग बन जाते हो, और आप किसी के साथ बात भी करते हो तो आपकी बात भी किसी के लिए एनर्जी का रूप बन जाती है। बाबा साहब के विचार ही तो हमको एनर्जाइज कर रहे हैं, बुद्ध के विचार, बाबा साहब के विचार। तो बाबा साहब जो खड़े रहते थे, हो सकता है कि वो बुद्ध से बात करते होंगे कि तथागत तुम्हारे जो विचार है मुझ में आ जाए और मैं इस दुनिया को फिर से प्रकाशित कर दूं। ये इसीलिए मैं कई बार ये कहता हूं कि लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने बुद्ध धर्म जो है 1956 में अपनाया, मुझे तो लगता है कि बुद्ध धर्म, बाबा साहब बुद्ध धर्म में बहुत पहले से ही लीन थे। और 1907 में जब वो 10वीं पास हुए थे तो केलुस्कर गुरुजी जो थे ना, जिन्होंने 1898 में किताब लिखी थी बुद्ध, भगवान बुद्ध का चरित्र, तो वो किताब वो छोटे भीमराव को 10वीं कक्षा पास होने के उपलक्ष्य में, जो कि केलुस्कर गुरुजी रामजी बाबा के फ्रेंड थे, और वो बाबा साहब एक बगीचे में स्टडी करने को जाते थे, उसी बगीचे में केलुस्कर गुरुजी आया करते थे, और उन्होंने देखा है कि छोटा बच्चा है इतना कैसे पढ़ता है, तो रामजी से परिचय हो गया और फिर बाद में उनसे बहुत अच्छी मुलाकात हो गई और 10वीं में उनका सत्कार किया था। तो बाबा साहब ने कहा है कि वो किताब मैंने कई बार पढ़ी थी, उस किताब से मैं इतना प्रेरित हुआ कि बुद्ध का चरित्र मेरे मनोमन में घुस गया, और फिर मैं जब वेस्टर्न वर्ल्ड में गया और वेस्टर्न फिलोसॉफी और वेस्टर्न जो ह्यूमैनिटीज के थॉट्स में पढ़ता था, तब मैं उनको बुद्ध के साथ कंपेयर करता था, और फिर मैंने पाया कि बुद्ध तो इनके आगे की चीज है, इसीलिए बुद्ध मुझसे कभी छूटे नहीं, और बाद में आखिरी में जाके उन्होंने बुद्ध को ही अपना लिया। जी, मुझे तो लगता है कि उनको बुद्ध ही, बुद्ध धर्म को ही अपनाना था, लेकिन उन्होंने कोशिश करी कि मैं, जो लोग भी मेरे सामने ये सवाल करेंगे इस धर्म में क्यों नहीं गया, उस धर्म में क्यों नहीं गया, उस धर्म में क्यों गया, तो सारा जो ये प्रतिक्रिया थी जो इसकी, भाई इस धर्म में जाऊंगा तो क्या मिलेगा क्या नहीं, मुझे एक याद आ रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर पोप को मिलने के लिए गए रोम में। हाँ, बराबर है, सही है। हाँ, और जब वो गए तो बाबा साहब ने पूछा कि भाई कितनी देर लगेगी आप लोगों को, अगर मैं क्रिश्चियनिटी में आ जाऊं तो मेरे लोगों का एकदम चल जाएगा। हाँ, के इनके सामने ये सारी समस्याएं जो है ये दूर हो जाएंगी। तो पोप ने कहा कि भाई मुझे लगता है कि बड़ी पुरानी बीमारी है, जाती जाती जाएगी, तो 200-250 साल तो लग ही जाएंगे। तो बाबा साहब बिना उसको हेलो, बिना उसको कुछ कहे उठ के चल दिए, कि कह ये बाद में कहा कि मेरे पास इतना समय नहीं है, यानी कि बाबा साहब ने, पोप ने ऐसा कहा था, पोप ऐसा कहता है कि कितना मगरूर इंसान है, लेकिन हाँ। बाद में पोप ये भी पूछ रहा था, बोले कि मेरी सभा से आज तक कोई भी वॉकआउट नहीं किया, this is the only one person who is able to walk out from my house or my meeting. Exactly. तो वही तो बाबा साहब ने फिर इसका उत्तर देते हुए कहा कि भाई मैंने, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं 200-250 साल जी सकूं। तो बाबा साहब, मुझे लगता है बाबा साहब समझते थे कि जितने ब्राह्मण शातर हैं ये मेरे संविधान के साथ भी और मेरे लोगों के साथ भी प्रतिक्रांति करेंगे ही करेंगे। बराबर। और उस प्रतिक्रांति को हम लोग जो भी, मैं तो अपने आप को बहुत पीछे समझता हूँ कि भाई मैं तो जहाँ इंग्लैंड में भी आया था तो अपनी आर्थिक सिचुएशन सुधारने के लिए आया था, अपनी एजुकेशन सुधारने के लिए आया था, मैं कोई बाबा साहब का प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं आया था। ये तो कोइंसिडेंट है कि भाई काम करते 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 बाबा साहब को पढ़ते पढ़ते एहसास होना शुरू हो गया कि भाई अगर किसी ने मुझे जहां जीरो से यहां तक ला के खड़ा किया है तो केवल एंड केवल बाबा साहब है, और कोई मुझे दिखाई नहीं देता। अगर मैं संविधान से पहले देखूं तो मेरे माँ बाप से पहले, मेरे माँ बाप बिल्कुल अनपढ़ थे, जब मैं कई बार उनको पूछता भी था कि भाई हम क्यों गरीब हैं, हम क्यों लाचार हैं, हम क्यों चूड़े हैं, हम क्यों चमार हैं, ये क्या समस्या है, तो उनको पता ही कुछ नहीं था, वो बस यही कह देती मुझे गलबकड़ी डाल के, मेरी माँ हमेशा यही कहती, तू तो मेरा चांद बेटा है, सूरज बेटा है, बहुत बढ़िया बेटा, तो ये तो सवालों के जवाब नहीं थे।
तो वो मुझे इस चीज का सब जवाब ना देने के बदले में ऐसी ऐसी बातों में उलझा देती थी। और कई बार मैं लड़के आता था कटके साहब, कई बार मैं स्कूल में लड़ पड़ता था जब मुझे कोई ऐसे भद्दे शब्द बोलता था, तो जब मैं घर पे आता तो ऊपर से माँ भी पीटती थी, ये कहती थी कि भी मैंने तुझे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा है, लड़ने के लिए नहीं भेजा, तू लड़ेगा तो एक दिन तू समस्या में हो जाएगा और मुझे तुझे बहुत आगे लेके जाना है, बहुत बड़ा आदमी बनाना है। तो वो सपने ऐसे देखती रहती थी। तो मुझे कई बार इस चीज का आज भी रहता है कि भाई कई बार मैं माँ से गुस्से हो जाता था, मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, तो मेरा बाप मुझे बड़े प्यार से समझाता था कि तुझे माँ का गुस्सा दिखाई देता है लेकिन माँ का वो सपना नहीं तुझे दिखाई देता जो वो कहती है कि भाई मैं तुझे इतना बड़ा आदमी बनाऊंगा। और जिस दिन मैं घर से चला तो माँ ने एक ही बात कही कि मैंने तुझे चलना सिखाया है, ना रुकना सिखाया, ना झुकना सिखाया, ना थकना सिखाया, ना अकना सिखाया, ना रुकना सिखाया, तुझे चलना है, चलना है, चलना है। तो तब से मैं चले आ रहा हूँ। कई बार हम कहते हैं कि अनपढ़ माँ बाप भी ऐसी शिक्षा दे देते हैं जो आपके जीवन को बदल के रख देती है। तो मेरी माँ का मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है, मेरे बाप का बहुत बड़ा प्रभाव है। मेरे बाप ने भी मुझे कहा था जब मैंने भारत छोड़ा था कि बेटा मैं 3 पाउंड, उन दिनों में 3 पाउंड अलाउड होते थे, कि मैं तुझे 3 पाउंड दे के यूके भेज रहा हूँ, ये 3 पाउंड जहां तक चलेंगे खर्च लेना, अगर तुझे वहां मन ना लगे तो वापस आ जाना, हमारे घर में इतना खाना जरूर है, मैं तुझे फीड कर दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर तुम वहां अपना घर बनाओ तो तुम्हारे घर से मुझे खून पसीने की बू आनी चाहिए। उन दिनों में तो मैं समझता नहीं था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन आज मैं समझ रहा हूं कि मेरे बाप की इसके पीछे क्या वेदना थी, क्या वो मुझे कहना चाहता था कि खून पसीने की बू आनी चाहिए, कि तुझे अपना घर अपनी मेहनत से बनाना है, ना कि कोई उल्टा सीधा काम करके। अगर वापस भी आना होगा तो वापस आ जाना, लेकिन कोई अलावत अपने साथ या कोई ऐसी घटिया हरकत करके नहीं आना का, किसी का पैसा मार के आ जाओ, किसी को दुख दे के आ जाओ। तो ये चीजें मेरे साथ आज भी मेरे साथ इतनी जुड़ी हुई हैं, मैं इनसे आजाद नहीं हो पा रहा हूँ। और मैं अपने आज भी उसी, जब भी मैं कभी उदास होता हूँ, जब भी कभी मैं निराश होता हूँ, तो मैं बैठ के माँ बाप को याद करता हूँ, तो मुझे बजाया जाता है कि यस, कि तुझे अब विदेश में तुझे ना माँ मिलेगी, ना बाप मिलेगा, ना भाई मिलेगा मनाने वाला, जहां तो तू रूठ के बहुत कुछ मना लेता था, अब तुझे अपना सलूशन ढूंढने के लिए खुद को ही तलाश करना होगा कि कहां से तू गलत हो गया और कहां उसको कैसे उसको दुरुस्त करना है। तो ये सारा कुछ आज जब मैं बुद्ध धर्म में देखता हूँ, जब बाबा साहब की जीवनी में पढ़ता हूँ, तो मैं गदगद हो जाता हूँ कि बाबा साहब ने तो ऐसा जीवन खुद जिया हुआ है मेरे लिए। मैंने कोई बाबा साहब को चिट्ठी नहीं, पत्थर नहीं भेजा, लेकिन बाबा साहब ने सारा कुछ मेरे लिए कर दिया। तो मैं गोली मारूं उन ऐसे देवी देवताओं को, मैं क्या करूं? संविधान के पहले मेरी माँ के ऊपर किसी ने तर्स नहीं किया, मेरे बाप के ऊपर किसी ने तर्स नहीं किया। जैसे ही संविधान ने मुझे सारा कुछ दे दिया तो सारे देवी देवता मेरे पीछे लगा दिए, और यूके तक भी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। 20 साल लग गए मुझे इन चीजों से आजाद होने के लिए, और जब मैं आजाद हो गया हूं, आज मुझे कोई सोने का भी बनके देवी देवता आए, मैं उसको भी ठोकर मार दूंगा। इतना मेरे में इतना मेरे में साधु साधु सर, ये सभी की स्टोरी है ना बैल सर, एक दूसरे से मिलती है। अगर सभागुरु मुझे इजाजत दे तो मैं भी 2 मिनट में एक बताता हूँ कि बाबा साहब की प्रेरणा क्या होती है। 1942 की बात है, 1942 में मेरी माँ 10 साल की थी और बाबा साहब की अकोला महाराष्ट्र में सभा लगी थी। तो मेरे माँ के जो पिताजी थे वो मरे हुए जानवर खींचने का काम करते थे, उसका मांस निकालना और उसकी जो बोटिया है वो उसको सुखाना, और फिर बारिश में जब काम नहीं होता था तो उसी के ही वो उसका एक खाया करते थे वो।
तो 1942 में बाबा साहब की सभा को गई उसके पिताजी के साथ पीछे लगकर, कपड़े फटे हुए थे, वो बोलती थी कि मुझे बाबा साहब के दो ही शब्द पता है बेटा, हम सभी भाइयों को बोलती थी, और वो दो शब्द उसने याद रखे। एक बाबा साहब ने कहा था कि लड़कों के जैसा लड़कियों को भी स्कूलों में भेजो, और दूसरा कहा कि मरे हुए जानवर खींचना छोड़ दो, मरे हुए जानवर का मांस खाना भी छोड़ दो। तो मेरे माँ के पिताजी ने वो धंधा छोड़ दिया, फिर वो भूखे रहते थे लेकिन फिर भी उन्होंने खाना, वो जो बीफ खाना छोड़ दिया था। बाद में मेरी माँ कहती है कि मैं पिताजी के पीछे बहुत लगी हूँ कि मुझे स्कूल में भेजो, उस वक्त तो लड़कियों को स्कूल में नहीं भेजा सकते थे। तो 1982 में जब महाराष्ट्र में प्रौढ़ शिक्षा का जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, तो उसमें 60 साल में वो स्कूल में गई 2 साल और पूरे जिले में फर्स्ट आ गई। और जब तक वो, जब वो मरी थी 2013 में, तो सारी किताबें पढ़ती थी वो, लेकिन उसने कहा कि मैं खुद नहीं पढ़ पाई। तो बाबा साहब का एक सपना जो है मेरे मन में बार बार आता है उनका शब्द कि लड़कों को लड़कियों को पढ़ाओ। तो मेरी माँ ने हम सबको पढ़ाया सर, सभी हम लोग करीब 2-3 तो ऑफिसर है हम लोग। एक लड़की छोटी 10 साल की बाबा साहब की एक बात ध्यान में रखती है और हमारी जिंदगियां बदल देती है। तो ऐसी प्रेरणा बाबा साहब से मिलती है हमको सर। जी थैंक यू। साधु 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 कटके सर, ये जो बात आप कह रहे हो ना, सभी का ऐसी है, सभी के पेरेंट्स जो अनपढ़ी थे, बिल्कुल सर ऐसी और उन्होंने इतनी कैसे कैसे करके और पढ़ाई पे इतना ध्यान दिया सब कुछ, और वही चीजें हैं, मारपीट करके और कुछ नहीं, झगड़ा नहीं करना चाहिए कुछ हो, स्कूल में पढ़ के आओ बस। उसका कारण सत्य प्रकाश जी ये था कि भाई जब मैं भारत छोड़कर इंग्लैंड आने वाला था, तो 3 महीने से मेरी सारी प्रेपरेशन हुई थी कि मैं चले जाना, लेकिन माँ ने मुझे कसम दे रखी थी कि तू किसी को भी नहीं बताएगा कि तू बलायत जाने वाला है। वो बलायत कहती थी कि तू इंग्लैंड जाने वाला है। तो एक ही चीज से डरती थी कि कोई ना कोई तुझे कोई ऐसी बात कह देगा, तू उसमें उलझ जाएगा, तू जहां पुलिस के चक्कर में फंस जाएगा और रुक जाएगा। मैं चाहती हूं, कसम खा मेरे सामने अपने सर पे हाथ रख के कहती थी कि किसी को भी नहीं कहेगा। मैं जिस दिन जहां आया सब उसी, उसके बाद दो वीक बाद लोगों को पता लगना शुरू हुआ, अभी कहां गया, वो तो बलायत चला गया, बलायत चला गया, वरना किसी को भी गांव में पता नहीं मैं बाहर आ गया हूं। तो इतना सोध ना, इतना चाहे वो अनपढ़ थे लेकिन कितनी सोच, कितनी अच्छी विचार थी उनकी, जो अपने बच्चों को अच्छी अच्छी सोध। मैं पढ़ा लिखा होकर भी, हालांकि मैंने अपने बच्चों में बहुत कुछ दान प्रदान किया अपना, लेकिन जिस तरीके का आचार विचार और व्यवहार मुझे अनपढ़ माँ बाप ने दिया, मैं पढ़ा लिखा होकर भी अपने बच्चों को नहीं दे पाया। एजुकेशन के रास्ते में मैं तो सभी को अच्छा अच्छा एजुकेशन दिया है, और 2 पीढ़ियों में हमारे जो परिवार में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, मैं गदगद हो जाता हूँ। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान के सिवाय मुझे कुछ कोई चीज नहीं भाती। और जो लोग केवल अपने नाम के पीछे कोई वाल्मीकि लिखता है या कोई ग्रेट चमार लिखता है या चमार लिखता है, मैं उनके विरोध में नहीं हूँ। उनको भारत के संविधान ने छूट दे रखी है, वो चाहे गधा लिखे घोड़ा लिखे, मुझे क्या इससे लेना देना। लेकिन दुख इस बात का है कि जिस चीज को हम समझाना चाहते हैं कि जरा एक ध्यान मारो कि संविधान लागू होने से पहले आपके माँ बाप की क्या पोजीशन थी, क्या पोजीशन थी। अगर आपको जे समझ आ गया तो आपको बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान समझ आ जाएगा, और फिर कभी आप पीछे मुड़ के किसी देवी देवता और संत महंत किसी को भी नहीं देखेंगे। ये मेरा हमेशा उनके साथ डिबेट रहता है। सॉरी मैंने बहुत, मैं सर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इसीलिए आता नहीं हूँ क्योंकि मैं आता हूँ तो सभी के लिए रोक लग जाती है कि भाई आधा घंटा पौना घंटा और लोग जागते रहते हैं। सर ये जो आप बातें करते हैं ना, इनसे बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जो हमें पता नहीं है, जो आप बताने में आ जाती है आपके लिए उसके कि ये
जनरल है, नॉर्मल है। बहल साहब जो हमारे जवान बच्चे है ना, वो ग्रेट चमार, ग्रेट वाल्मीकि या जो ने ये करके कुछ तो हमारे जो इसको इसलिए बच्चे अपनाते हैं कि शायद हमारा स्वाभिमान है, हम डरते नहीं किसी से, ये बातें नौजवान बच्चों में भरी जाती हैं। और देखो कितने शांत होके बैठे हमारे लोग और कितना इस संघ को सपोर्ट कर रहे हैं। साधुवाद सभी को, साधुवाद, हमारे लिए पॉजिटिव बात। थैंक यू, साधुवाद, जय भीम, साधुवाद। और आप लोगों को गुड मॉर्निंग और मुझे गुड नाइट। गुड नाइट, कल मिलते हैं सभी। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। साधु साधु।